रहते भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और उसके बाद से हम प्रचार में लग गए हैं तथा प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों का दौरा पिछले 12 दिनों से किया है व पूरे भारत में भाजपा प्रचंड लहर वैसे ही प्रदेश भाजपा की है और निश्चित तौर पर पिछले लोकसभा चुनावों से ज्यादा जीत का आंकड़ा होगा। प्रदेश 4 सीटों पर भाजपा को विजय मिलेगी, ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कही। अनिल शर्मा को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम अनिल को भाजपा का सदस्य मानते हैं। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कार्य व प्रचार भी भाजपा के लिए करना होगा, उनको परिवार से हटकर पार्टी के लिए कार्य करना होगा, ये बात उनसे हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है, अगर परिवार के लिए कार्य करना है तो मंत्रिमंडल तथा भाजपा से भी जाना होगा, विधायक तभी है जब बीजेपी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा बहुत मजबूत है, अनिल शर्मा के बिना भी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं, अगर परिवार के लिए कार्य करते हैं तो भाजपा की सदस्यता खुद खत्म हो जाएगी। निर्वहन करना चाहिए था, उससे वो पीछे हट रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो उनको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। तो सर क्या अनिल शर्मा जी अपने बेटे के पक्ष में प्रचार करते तो क्या पार्टी उनसे रिजाइन लेगी? अगर अपने बेटे के पक्ष में प्रचार करते हैं तो रिजाइन लेने की नौबत नहीं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी विधानसभा की। देखिए ये सारी बातों का कोई अभिप्राय नहीं है, स्वाभाविक रूप से देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देश के हमारे नेता मोदी जी हैं, उनका जिक्र हो गई है, प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री का नाम का जिक्र हो गई होगा, और ऐसे में एक सांसद के नाते जो कैंडिडेट है उनके नाम का भी जिक्र होता है, उनने भी काम किए होते हैं, ये सब सारी बातों को लेकर के सामूहिक रूप से हम काम करने। इस समय अपने परिधान के कारण डिजिटल बाबा के नाम से सोशल मीडिया में मशहूर युवा सन्यासी स्वामी राम शंकर आजकल बेहद चर्चा में है। वजह है कि परंपरागत वस्त्र से भिन्न वस्त्र में उनका नजर आना। एक तरफ साधु संत जहां वर्षों से पारंपरिक परिधान विशेषकर घेरू भगवा रंग के लिबास में दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल बाबा इससे परे आधुनिक वस्त्र पहनकर कॉलेज के विद्यार्थी जन को मतदान हेतु नामांकन दर्ज करवाने वो मतदान करने हेतु अपील करते हुए सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। स्वामी रामशंकर कॉलेज के छात्रों के मध्य वीडियो में कार्गो के जींस ब्लैक टी शर्ट और डेनिम का जैकेट पहने हुए बात करते दिख रहे हैं। इस बदले क्लेवर के विषय में जब पूछा गया तब स्वामी रामशंकर ने कहा कि कॉलेज के छात्रों को हम भक्ति भजन करवाने नहीं गए थे, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने गए थे, मुझे कहा गया है कि आप साधु के लिबास भगवा रंग में ना आए, कोई सामान्य वस्त्र पहन कर आए, हमें लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसलिए हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और छात्रों के मध्य जाकर हम उनसे मुखातिब हुए, हमने छात्रों को मतदान कर निष्पक्ष बेहतर जनप्रतिनिधि के चुनाव हेतु युवा वर्ग को प्रेरित किया। आपको बता दें कि कुंभ मेला 2019 में डिजिटल बाबा अपने अनूठे प्रयोग के कारण भारत सहित विदेशी मीडिया में बेहद चर्चित रहे हैं, जिसका कारण बाबा का लोगों से मिलने बात करने का अनोखा अंदाज था, जिसे बाबा अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब अकाउंट पर लोगों से किए बातचीत को वीडियो शूट कर अपडेट करते रहे, फेसबुक लाइव करते रहे। इन सब के पीछे बाबा का एकमात्र प्रयोजन है कि युवा पीढ़ी जिस प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर अपना वक्त दे रही है उसी मंच का प्रयोग कर हम अपनी संस्कृति जीवन मूल्य अध्यात्म धर्म से जुड़ने के लिए इन्हें प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुला विधानसभा क्षेत्र के सुला में ओबीसी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर सांसद शांता कुमार, भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर, मंत्री विपिन परमार, मंत्री सरवीण चौधरी, विधायक रमेश धवाला, विधायक रवि धीमान विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे,
देश में धर्म जाति को जन्म कांग्रेस ने दिया है, भ्रष्टाचार की जननी भी कांग्रेस रही है। भाजपा ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। किशन कपूर ने कहा कि नरेंद्र मोदी में देश का पीएम बनने की क्षमता है। नोटबंदी हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ है, काले धन पर भी लगाम कसी गई है। वहीं सांसद शांता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नेताओं का पुत्र मोह तो देखा, लेकिन हिमाचल के नेता के पुत्र मोह देश पहली बार देख रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं की ऐसी हरकतों से प्रदेश बदनाम हो रहा है। प्रदेश के जब बीजेपी की सरकार बन रही थी तो बेटे को लेकर सुखराम भाजपा के पास आए थे, अब फिर पौत्र को लेकर आए थे, लेकिन जब बीजेपी ने इनकार कर दिया तो सुखराम पौत्र को लेकर कांग्रेस के पास चले गए। शांता कुमार ने कहा कि बेईमानी की राजनीति के चलते चंद नेताओं ने इस देश और पूरा हिमाचल को बदनाम कर दिया है। वहीं सांसद शांता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नेताओं का पुत्र मोह तो देखा, लेकिन हिमाचल के नेता के पुत्र मोह देश पहली बार देख रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं की ऐसी हरकतों से प्रदेश बदनाम हो रहा है। प्रदेश के जब बीजेपी की सरकार बन रही थी तो बेटे को लेकर सुखराम भाजपा के पास आए थे, अब फिर पौत्र को लेकर आए थे, लेकिन जब बीजेपी ने इनकार कर दिया तो सुखराम पौत्र को लेकर कांग्रेस के पास चले गए। शांता कुमार ने कहा कि बेईमानी की राजनीति के चलते चंद नेताओं ने इस देश और पूरा हिमाचल को बदनाम कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस में पहले जब टिकट लेने वालों की होड़ लगी थी, वहीं भाजपा के उम्मीदवार घोषित होने पर बड़े बड़े कांग्रेस के नेता टिकट ना लेने के लिए दिल्ली अपनी सिफारिश करने लगे। कभी समय था जब शांता के पास लोकसभा और विधानसभा का दायित्व था, लेकिन शांता का मन डगमाया नहीं, ना ही परिवारवाद को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखराम इस बार उनके पास आए और पौत्र के लिए टिकट की मांग की, लेकिन बात को अनसुना कर दिया था। राजनीति में प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो सुबह हमारे पास होते हैं, शाम को कांग्रेस के पास चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 5 सालों में कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। संकल्प पत्र के अनुसार किसानों, मजदूरों, दुकानदारों का भी सरकार ख्याल रखेगी।